अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी में लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स का चैप्टर, और इसमें जो पहला टॉपिक हमने करना है लिम्फेडेमा। यही टॉपिक अगर आप इस पूरे चैप्टर में से कर लेते हैं ना, तो 80-85% आपका चैप्टर आप समझ लें हो गया, क्योंकि इसमें से जो मैक्सिमम चांस होता है कि क्वेश्चन आने वो लिम्फेडेमा का आना है। दूसरा एक फाइलेरियासिस है, इसके अलावा इसमें से तकरीबन कोई खास क्वेश्चन कम ही आया जाता है, मतलब जो आएगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये इंतहाई ज्यादा आता है, इंतहाई ज्यादा। ठीक है, मैं आपको बहुत गिने चुने टॉपिक्स कराती हूँ, इनको जरूर कर लिया करें, मैं बहुत ही लिमिटेड से कराती हूँ जो आते होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो लिम्फेटिक डिसऑर्डर में जो लिम्फेडेमा है, पता आपको थोड़ा सा अगर लिम्फ वाले फ्लो का ओवरव्यू जरा सा रिवाइज करा दूं आपको, जाहिर ताकि आपको याद आए। तो वो देखिए, हमारे जब आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है, तो आर्टरीज के बाद जाहिर है वो आर्टेरियोज एंड देन कैपिलरीज बनती है। अब वो देखिए, कैपिलरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, उन कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम है उसके बीच में स्पेसेस होती है, जिससे थोड़ा ना कुछ फ्लूइड फिल्टर होकर बाहर चला जाता है, और वो जो फ्लूइड बाहर जाता है वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। यही हमने पढ़ा था ना, वो फ्लूइड जाहिर सी बात है उसमें फ्लूइड होगा, प्रोटीन्स होंगी, प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है वो, और वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी फिल्टर होना था, प्रोटीन रिच इतना भी नहीं होता, लाइक मतलब अच्छा खासा कुछ फिल्टर हो जाता है। उसके बाद ये हमारी यहां से कैपिलरीज के बाद बन जाते हैं विन्यूल्स और वेन्स। ठीक है, ये तो अपने रास्ते ले जाती है, लेकिन ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां पर बना था कैपिलरीज में से, जो फिल्टर होकर बाहर आ गया था, इसने कहीं ना कहीं तो अब जाना है। इसमें से कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा विन्यूल्स में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। बाकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम ऑफ वेसल्स दिए, जिसको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। वो लिम्फेटिक्स यहां पर हर वेन के साथ रन कर रही होती है, वो लिम्फेटिक्स इसको एब्जॉर्ब करती है सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, और इसे लेकर थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम वापस जाती है थ्रेसिक डक्ट में, और थ्रेसिक डक्ट फिर जो आपकी राइट और लेफ्ट थ्रेसिक डक्ट से वो आपकी इंटरनल जगुलर वेन्स में, मतलब बेसिकली इस सारा का सारा फ्लूइड जो कैपिलरीज ने निकाल के बाहर फेंक दिया था, इस सारे को लिम्फेटिक्स वापस लेके जाती है, और ऊपर आपकी जब ये थ्रेसिक डक्ट में पहुंच जाती है, वहां से फिर ये वीनस सिस्टम में इसको दोबारा डाल देती है। असल में तो ये ब्लड से निकला था ना, तो इसको ब्लड में ही वो जब वेन में डाल देंगी तो ब्लड में दोबारा वापस पहुंचा देंगी, ये सिलसिला होता है। अभी जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हर वेन के साथ साथ एक लिम्फेटिक वेसल भी आगे चल रही होती है, और रास्ते में कई लिम्फ नोड्स भी आते हैं जो सारा का सारा लिम्फेटिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, अब अगर कहीं पर प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि ये जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लेके इस लिम्फ को सही जाने के काबिल ना रहे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बढ़ता जाएगा और लिम्फेटिक वेसल्स उसको वापस नहीं लेके जा सकेंगी ड्यू टू एनी रीजन, मतलब वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर ये वापस नहीं लेके जा पाती और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ता जाता है, हालांकि जो कैपिलरी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कैपिलरी नॉर्मल अमाउंट का फ्लूइड फिल्टर करके बाहर निकाल रही है, लेकिन ये आगे नहीं लेके जा पा रही, तो उसको हम कहते हैं कि ये लिम्फेडेमा हो गया पेशेंट को। तो लिम्फेडेमा की जब हम डेफिनेशन करते हैं ना, तो ये बात समझना और कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट इज इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इन एनी कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, नियर नॉर्मल या नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर। ये रीजन कहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम और भी बॉडी में कई दफा एडिमा होते हैं, जब आप पता है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है पेशेंट को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है पेशेंट को, या लिवर सिरोसिस होता है पेशेंट को, हर पेशेंट को एडिमा हो जाता है, लेकिन वो लिम्फेडेमा नहीं होता। उसकी क्या रीजन है, इन जो केसेस है ना, जो भी मैंने चीजें बोली है, मैंने सीसीएफ बोला या मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला, इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होता है, मतलब अगर दूसरी तरह से आप ये समझ लें, जो आपका ब्लड है ना, जैसे आपका कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर रहा होता, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा होता है वेसल्स में, जब वेसल्स में फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो कैपिलरीज बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती, कैपिलरीज बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड को फिल्टर करती है। अगर नॉर्मली कैपिलरीज फिल्टर करती थी 5 ml ऑफ फ्लूइड में, वैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो जब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाता है तो उस वक्त कैपिलरीज फिल्टर आउट करती है 50 ml ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जब 50 ml बाहर निकाल देंगी तो जो आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स है, उन बेचारी के पास एक हद तक एबिलिटी होती है कि वो लिम्फ को वापस लेके जा सके, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस लेके जा सके, वो हद से ज्यादा नहीं वापस लेके जा सकती। तो उस केस में क्या होता है कि जब वो एक्सेसिव फ्लूइड यहां पर फिल्टर होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, वो उसको वापस नहीं लेके जा सकती, तो एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो जो सीसीएफ में एडिमा हो रहा होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा हो रहा होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको देखिए किडनी फिल्टर नहीं, किडनी जो है वो आपके वाटर को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही होती, उसी तरह से फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इस तरह लिवर सिरोसिस में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो एडिमाज होते हैं, इनमें बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम, मतलब जो रूट कॉज है वो तो जो भी है, लेकिन जो हमारे पास जिस लेवल पे हम बात करें, तो कैपिलरी फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, कैपिलरी ज्यादा फ्लूइड बाहर निकालने लग जाती है, लेकिन लिम्फेडेमा में दिस इज नॉट द कॉज। लिम्फेडेमा में जो कॉज होती है, उसमें जो कैपिलरी प्रेशर है वो नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर होता है और नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड फिल्टर हो रहा होता है, लेकिन जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो उसको वापस लेके जा सके। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। ठीक हो गया जी,
उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो एडिमा की है। हमने बात की है कि आपने पढ़ा होगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा का मतलब है कि हम अपने थंब से उसको प्रेस करते हैं, जैसे लोअर लिम्ब में मोस्ट प्रॉब्ली हो रहा होता है, तो हम मीडियल जो आपका वो मेलिल वो है ना आपका जो मीडियल साइड का एंकल है उससे थोड़ा सा ऊपर हम जो टिबिया की शिन है उस पर ऐसे प्रेस करते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर जब हम अपना अंगूठा उठाते हैं तो ऐसे अंगूठे को वहां पर ही हम यूं घुमा के देखते हैं तो पिट बन जाती है। वो पिट थोड़े सेकंड्स के लिए, कम से कम 10 सेकंड्स के लिए स्टे करती है, उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं, जिसमें हम ऐसे दबाए और दब जाए, थोड़ा सा फर्म फील हो हमें लेकिन हम हाथ उठाए तो कोई डिप्रेशन ना रहे, वो नॉन पिटिंग एडिमा होता है। जो सीसीएफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है वो मोस्ट ऑफ कॉमनली पिटिंग एडिमा होता है आपका, उसमें पिट बनती है। लिम्फ एडिमा का तकरीबन नॉन पिटिंग एडिमा नॉर्मली उसको कहा जाता है। उसकी क्या रीजन है ये बात याद रखिएगा कि लिम्फ एडिमा का हमेशा पहली स्टेज में नॉन पिटिंग एडिमा नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा समझ ले, मैं वो बातें आपको बता रही हूँ जो आपके समझने के लिए और टॉपिक को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए लिम्फ एडिमा में मैंने कहा इंटरस्टीशियल फ्लूइड जो है वो नॉर्मल अमाउंट में बाहर आ रहा है कैपिलरी से, लेकिन वो लेके नहीं जा पा रही लिम्फेटिक वेसल्स, जिस भी वजह से नहीं लेके जा पा रही, ठीक है। अब वो लेके नहीं जा पा रही तो फ्लूइड इधर पड़ा रहेगा। होता क्या है, जो अर्ली स्टेजेस होती है ना लिम्फेडिमा की, जो बिल्कुल आप अभी मैं आपको ग्रेडिंग बताऊंगी ना, तो जो ग्रेड वन होती है, ग्रेड वन में लिम्फेडिमा का एडिमा भी पिटिंग होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी सिर्फ यहाँ पर फ्लूइड पड़ा हुआ होता है लेकिन कोई फाइब्रोसिस नहीं हुआ होता, कोई यहाँ पर पक्की स्कारिंग नहीं हुई होती, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती, अभी सिर्फ यहाँ पर फ्लूइड है। फ्लूइड तो जब भी होगा आप ऊपर से ऐसे थंब दे लेंगे पिट बन जाएगी, तो जो ग्रेड वन ऑफ लिम्फ एडिमा है उसमें पिट बनती है, पिटिंग एडिमा होता है, जैसे सीसीएफ में होता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ये लिम्फ एडिमा परसिस्ट मतलब रहता जाता है, क्रॉनिक होता जाता है, सपोज एक बंदे को लिम्फ एडिमा मतलब उसका लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में बाहर आना शुरू हुआ था और ये परसिस्ट की कंडीशन, जैसे जैसे परसिस्ट करती है ना प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये फ्लूइड जो लिम्फ एडिमा वाले खासतौर पर ये बड़ा प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। उसकी क्या रीजन है कि कैपिलरीज ने फिल्टर किया था, नॉर्मल था, जब ये लिम्फ नोड्स में जा रहे थे ना, लिम्फ नोड्स की एबिलिटी ये होती है कि इसमें से ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते जाते हैं और प्रोटीन इसमें ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि जो आपका लिम्फ ये लिम्फेटिक जो फ्लूइड बनते थे ना बड़ा प्रोटीन रिच सा होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन रिच फ्लूइड यहाँ पर एक कलेक्ट हो रहा है, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड होने की वजह से यहाँ पर तेजी से फाइब्रोसिस होने लग जाती है, क्योंकि जाहिर है हमारी बॉडी तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करती है, हमारी बॉडी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी इसको रिजोल्व करे, खत्म करे, ठीक करे। तो ये क्योंकि कलेक्ट हो रहा है सारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यूज में बॉडी के, वहां पर फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। जब फाइब्रोसिस होती है किसी जगह पे तो होता है कि वो जगह थोड़ी सी फर्म और हार्ड सी हो जाती है, तो जब लेट स्टेजेस में लिम्फेडिमा पहुंच जाता है तो ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ड्यू टू रिच इन प्रोटीन कॉन्टेंट, वहां पर हल्की फुल्की फाइब्रोसिस की वजह से फर्मनेस ज्यादा आ जाती है, और जब आप पिट करते हैं तो पिट नहीं बनती, आपको फर्म फीलिंग आती है। जितना स्टेज लेट होता जाता है उतना ही ये नॉन पिटिंग होता जाता है, और बहुत लेटर स्टेजेस में बिल्कुल आपको ऐसे क्या आपसे पिंच तक नहीं किया जा सकता, इतना फर्म हो जाता है, ठीक है, पिंच भी नहीं आप कर सकते उसको जरा सा भी। तो ये इसकी जो है ना मसला होता है कि इसको हम नॉन पिटिंग क्यों कहते हैं, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। द रीजन इज कि इसमें फाइब्रोसिस होती जाती है जितना जितना लेट होता जाए, और अर्लीस्ट स्टेज में ये भी पिटिंग होता है, पहले मतलब अर्लीस्ट स्टेज में ये पिटिंग होता है, बाद में ये फाइब्रोसिस की वजह से नॉन पिटिंग बन जाता है। अब ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट बात थी। अब आ जाते हैं हम इसकी वो बातों की तरफ की जो क्वेश्चन में हमसे आगे पूछेंगे। वो कहेंगे सिनेरियो देते हैं आपको कि एक बंदा को बस प्रेजेंट किया है, 40 इयर्स ओल्ड है, वो कह रहे हैं कि उसके ऐसा ऐसा टांग की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है, और पहले उसकी सूजन सिर्फ पाँव में थी, अब वो टांग तक आ गई है। उसके अलावा वो आपने देखा तो आपको स्किन पे जो है वो थोड़ा सा मतलब जाहिर सूजी भी नजर आई, थोड़े बहुत क्रैक्स नजर आ रहे हैं, और वो आपसे कहते हैं कि पिटिंग नहीं हो रही, ठीक है। हमेशा हमें जो दिया जाता है ना सिनेरियो तकरीबन वो इस स्टेज का ही दिया जाता है कि वो नॉन पिटिंग एडिमा में कन्वर्ट हो चुका होता है, और हमें वो इसलिए देते हैं ताकि हम इस बात की बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें फ्रॉम द एडिमा ऑफ सीसीएफ या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या कोई और चीज, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास सिनेरियो में हमेशा वो आपको लिम्फेडिमा का एडिमा नॉन पिटिंग बताएंगे कि पिट नहीं बनती, उसका मतलब यही है कि ये लेट स्टेज में पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारी सारी पैथोफिजियोलॉजी। और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको हमने डिपेंडिंग अपॉन द कॉज के क्यों लिम्फेटिक वेसल्स खराब हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉजेज में डिवाइड किया हुआ है। जो प्राइमरी कॉज है वो बेसिकली होती है अननोन कॉज, जिसमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसने लिम्फेटिक वेसल्स को खराब किया, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई उसको आगे मलिग्नेंसी नहीं थी, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई बंदा कहे कि रेडियोथेरेपी थी या किसी चीज, कोई चीज नहीं हमें नजर आई जिसने लिम्फेटिक वेसल्स को खराब किया हो, तो हम कहते थे कि प्राइमरी कॉज है। एंड प्राइमरी इज यूजुअली कंजेनिटल, कि कंजेनिटली ही उसके लिम्फेटिक वेसल्स खराब थी
जिसकी वजह से वो लिम्फ को वापस लेके जाने काबिल नहीं थी, ठीक है, वो प्राइमरी कॉज होती है। और जिसमें भी आपको कॉज मिल जाए वो सेकेंडरी होती है। अब वो क्यों हो सकती है? सेकेंडरी टू पैरासिटिक इन्फेक्शन, वेरी कॉमन, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जो फाइलेरियासिस का मैंने जिक्र किया वो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है बेसिकली। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या करते हैं, आपके लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज कर देते हैं, जब डैमेज कर देगा तो वो लिम्फ को वापस नहीं लेके जा सकेंगे, ठीक है। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई जो आपके की जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं उनकी सिलिका एक्सपोजर की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद कोई लिम्फेटिक मेलिग्नेंसीज है, कोई रेडियोथेरेपी का एक्सपोजर है, लिखी हुई है जो बुक में सारी कॉजेज ना, जो भी कॉज जब आ जाएगी ना तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है।